Hello everyone, I welcome you all to this session. I hope you all are doing good. Uh, so we will be learning today the sixth chapter, the beginning of freedom movement. Uh, I, I will recommend you if you have not watched the previous video, please go through it. Uh, we had covered all the fifth chapter in very interesting way and very in, uh, in very specific and in a designed way. So we will be learning this ch sixth chapter beginning of freedom movement after the all the reforms that took place. Uh, मतलब बा जब अब जब सब रिफॉर्म्स हो चुके हैं इंडिया में और उसके बाद जो जो कस्टम्स थे जो ट्रेडिशंस थे वो जो इंटेलेक्चुअल पीपल्स थे उन्होंने सब ने जो चैलेंज कर दिया था और एक नई सोसाइटी को फॉर्म कर दिया था उसके बाद एक जो बिगनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट आ गई थी अब जब सोसाइटी अंदर ही अंदर फॉर्म हो गई है जो लोग समझने लगे कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस इंडिया को आज़ाद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो उसके बाद एक फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च हुआ लोगों को लगा कि नहीं हमें हम हम इंडियन पीपल्स को हमारा नेशन मिलना चाहिए जो इंडिया है वो हमारी कंट्री है और इस पर ब्रिटिशर्स को रूल नहीं करना चाहिए तो इसमें जो बिगनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से एक बॉडी इस्टैब्लिश हुई जो इंग्लिश एजुकेशन आने के वजह से किस तरीके से एक बॉडी इस्टैब्लिश हुई रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरीके से स्टैब्लिश हुई और क्या क्या चेंजेस आए उसके अंदर और कैसे कैसे कुछ लीडर्स स्प्लिट हुए उसके अंदर और कुछ लीडर्स बहुत ही एक्सट्रीम पोजिशन पे थे और कुछ बहुत ही मॉडरेट वे वे में जो फ्रीडम्स को उनकी आइडियोलॉजी थी थिंकिंग थी तो आज वो हम वो स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से तो लेट स्टार्ट विद द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल अब क्या हो गया था तो जब ब्रिटिश थी वो जो अपना जो कैप्चर कर चुकी थी इंडिया को अब वो चाहती थी कि जो ब्रिटिश की जो ट्रुप है जो आर्मी है वो हर जगह पे फैली हो हर डिस्ट्रिक्ट में फैली हो तो उनके आने जाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया दे बिल्ड द रोड्स एंड रेलवेज एंड इंक्रीज कम्युनिकेशन अब ये रोड्स एंड रेलवेज़ कम बिल्ड्स करने पे जो जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो इस्टैब्लिश हो गया था और इसी कम्युनिकेशन का फ़ायदा उठा के जो हमारे लीडर्स थे सुप्रीम लीडर्स थे इंटेलेक्चुअल पीपल्स थे उन्होंने एक एडवांटेज लिया और लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया इस मोमेंट से वो अलग अलग जगह पर जाते रोड्स एंड रेलवेज़ की मदद से और उन्होंने अपना हर तरीके से अपना जो इन्फ्लुंस था कि इंडिया एक वन नेशन है हमें इसके लिए लड़ना चाहिए नेशनलिज़म के लिए लड़ना चाहिए हमें अपनी इंडिया को आज़ाद करके रहना है इसके लिए अब जो इंडिया थी वो इकोनॉमिक एक्सप्लोर हो रही थी इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन का मतलब कि जो यूटिलाइज़ हो रही थी वो इंडिया के रिसोर्सेज थे वो फोर्सफुली कैप्चर हो रहे थे और ये बहुत ही गलत चीज़ थी जो फार्मर्स थे उनको मजबूरी में कैश क्रॉप्स उगाने पड़ रहे थे और बर्डन ऑफ लैंड और टैक्सेस जो था उनके उम्बर वो बहुत ही बढ़ते बढ़ते जा रहा था और कुछ प्लेसेस पे जो फैमेंस लाइक थी कंडीशन क्राइसिस जो आ रहे थे फेमिन्स में मतलब जो बहुत सारे ड्रॉथ हो रहे थे जहाँ पे वाटर कंडीशंस नहीं हो रही थी वाटर सप्लाई नहीं हो रहा था जो इरिगेशन फैसिलिटी uh, अच्छे से नहीं हो रही थी और पर ब्रिटिश ये नहीं समझ रही थी कि ये बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर सिस्टम को होने के लिए पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब था टैक्स से क्योंकि वो एक्सप्लोडेशन कर रही थी उसका उसका फोर्सफुली जो राइट right था यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोसेज था उसे एक्सप्लोर कर रही थी और ये बहुत ही गलत वे था तो इसकी वजह से जो हुआ था कि जो इंडिया की कैपिटलिस्ट थी वर्कर्स थे उन अनएम्प्लॉयड हो गए बहुत सारे जगह पर जो इंडस्ट्री डिक इंडस्ट्री में डिक्लाइन आने लगे बहुत जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत तरीके से बढ़ गया और जो इंडियन का एग्रीकल्चर सिस्टम था वो भी जो बैकबोन है इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम वो ब्रेक हो गया टूट गया और दिस लेड टू ग्रेट ग्रोथ ऑफ डिसकॉन्टेंट अमोंग पीपल मतलब ये एक नाराज़गी का कारण बन चुका था लोगों के अंदर कि ब्रिटिशर्स ये जो अपनी राइट्स है वो गलत इस तरीके से यूज़ कर रही है और ये बहुत ही गलत है तो उसके प्रोटेस्ट हुए उसके ऊपर तो जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया वेस्टर्न एजुकेशन ने उसने जस्टिस लाई लिबर्टी लाई इक्वेलिटी लाई डेमोक्रेसी लाई लोगों के अंदर न्यू आइडियाज़ लाई आइडियोलॉजी लाई एक थॉट प्रोसेस था उसने एक थॉट प्रोसेस लाया कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए हम सब इक्वल हैं फर्टनिटी है हमारे अंदर हम ब्रदरहुड हैं सब भाईचारे से रहना चाहिए जो रैशनलिज़्म थी साइंटिफिक एटीट्यूड ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए इंडियंस ने मतलब जो लोगों के अंदर एक नई विचारधारा आई कि लोगों ने बहुत तरीके से जो ओल्ड कस्टम थे जैसे सती हो गए जो रिविडो मैरिज थी उसको एक अलग व्यू एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट कर दिया रैशनलिज्म कर दिया एक लॉजिकल थिंकिंग उन पर ट्राई किया उन्हें इंप्लीमेंट करने का और जो उनका इसमें हेल्प वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी उन्होंने भी किया न्यूज़पेपर्स में जो हमारे ग्रेट लीडर थे जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए एडिटोरियल्स के अंदर उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर थे वो अलग अलग लैंग्वेज में आते थे इंग्लिश में आते थे हर एक लैंग हर स्टेट की एक लैंग्वेज के लिए अपना अलग न्यूज़पेपर हुआ करता था पिरोडिकल्स पब्लिश होते थे पिरोडिकल्स का देख पिरोडिकल्स का मतलब है जो वीकली बेसिस पे या कोई एक दिन पे जो एक स्पेशल पेपर आता था उसे पिरोडिकल्स कहते थे और थ्रू दिस न्यूज़पेपर पॉलिटिकल एंड सोशल अमेरिकन टुक प्लेस न्यूज़पेपर लाइक दर्पण प्रभाकर हिंदू अमृत बाजार पत्रिका केसरी महाराटा स्टार्टेड क्राइटिसाइजिंग द गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के जो काम थे उस इस न्यूज़पेपर में बताए जा रहे थे और वो किस तरीके से गलत कर रही है उस तरी उस उसे भी एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की जा रही थी उस न्यूज़पेपर में आगे हम देखें स्टडी ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री एशियाटिक सोसाइटी वो इस्टेबलिश बाय द बंगाल बाय द ब्रिटिश एट द बंगाल बाय ब्रिटिश मेन इन इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर स्टार्टेड स्टडी स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर जो ब्रिटिशर्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी फॉर्म की उसमें जो एनशियन कल्चर थे वो इंडिया के अच्छे तरीके से सिखाए जा रहे थे स्टडी किए जा रहे थे और इसका मदद से जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे मतलब जो अपने इंडिया के स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी स्टडी किया इसे इस कल्चर्स को और जो मैनिज इन संस्कृत पर्शियन एंड अदर लैंग्वेज एग्जामाइंड एंड एग्जाम रिसर्च वॉज पब्लिश मतलब इन सब मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो रिटन है खुद ने लिखी है स्क्रिप्ट्स जो उनने स्टडी किया संस्कृत में और इनसे हमें इंडियन कल्चर्स के बारे में पता लगा बहुत सारे क्या होते हैं इंडियन कल्चर किस तरीके से इंडियन कल्चर होते हैं और एक डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की हमारे अंदर कि एंशियन ट्रेडिशन हमारे किस तरीके से थी और इस एनशियन ट्रेडिशन ने लोगों के अंदर विचारधारा बिल्ड की और उस विचारधारा को एक भंडारकर कर और और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में फॉर्म किया जो सिंस हंड्रेड ईयर हो गए अभी उसे वर्क किए हुए वर्क करते हुए और उनमें से कुछ जो थे रिसर्चर्स हमारे डॉक्टर भाऊदाजी लाड और डॉक्टर आर जे भांडरकर इंडियन स्कॉलर है मेड इंटेंसिव स्टडी इन्होंने एक इंटेंसिव स्टडी की इस चीज़ के ऊपर कि अपने जो इंशन कल्चर है इंडियन कल्चर है, उनके ऊपर इंटेंसिव स्टडी की आगे हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि जो अब एजुकेशन आ चुका था इंडिया में और किस उस एजुकेशन ने जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं बहुत सारे पीपल्स के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी और उन्होंने बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशन को चैलेंज किया रिवोल्ट किया और रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स हुए बहुत सारे अब ज़रूरत थी एक पॉलिटिकल बॉडी की फॉर्म होने की अब पॉलिटिकल बॉडी किस तरीके से स्टैब्लिश हुई वो देखेंगे कौन सी बॉडीज़ जो स्टैब्लिश हुई थी उसे देखेंगे स्टेबलिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस

वोमेश चंद्र बैनर्जी ये हैं वो पर्सनलिटी इन ये जो प्रेस ये पर्सनलिटी प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस टाइम पे और ये एक रिनाउंड लॉयर थे इन दिस सेशन ही दे इस्टिश द इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस और इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको एक लीड स्टैब्लिशमेंट का मूवमेंट देने के लिए ब्रिटिश के एक ऑफिसर एलन ऑक्टोविन हुमे इन्होंने एक आ, मदद की स्टैब्लिश करने में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश करने में आगे हम देखें तो मॉडरेट फेज था एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक फ़ेज़ आया जिसके अंदर मॉडरेट फेज़ बोला जाता है एटीन एटी फाइव टू नाइनटीन फाइव एक मॉडरेट फेज़ है मॉडरेट फेज में क्या होता है और बेसिकली मैं बताऊं आपको ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश करने का टू अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉब्लम्स मतलब लोगों के अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें उनके व्यूज़ को अंडरस्टैंड करें एक फीलिंग ऑफ वननेस इंक्रीज़ करें मतलब लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग इंक्रीज़ करें पीपल्स के अंदर और एफर्ट ले कि डेवलपमेंट के लिए अब ये ज़रूरी हो गया था कि इंडिया को अपना स्टैंड लेना चाहिए एक पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म करनी चाहिए जो इंडिया को उस लेवल पर रिप्रजेंट करे कि जो ब्रिटिशर्स है उनसे हम कंपेयर करें तो हमारी जो सिचुएशन है हम हैंडल कर सकते हैं आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की एक बॉडी चाहिए थी जो एक फैसिलिटी एक सबको यूनिटी में रखे और ब्रिटिश के अगेंस्ट रहे और एक अगर हम देखें तो पिछले में हम जो फ्रीडम स्ट्रगल देखे वो उसमें जो कॉन्सिक्वेंसेज थे हम क्यों हारे थे उसके रीज़न क्या थे तो उसमें जो रीज़न था हम, एक कॉमन लीडरशिप नहीं था तो उस लीडरशिप नहीं होने के कारण हम हार गए थे कॉजेज़ थे फ्रीडम स्ट्रगल के अगर देखेंगे तो और अब जब एक लीडरशिप हो गया लोगों के अंदर अवेयरनेस हो गई कि हमें यूनिटी मिलनी चाहिए हम उस यूनिटी की मदद से हम जीतेंगे तो वो एक कॉमन लीडरशिप को तरफ लेके जाता है और ये बहुत ही जरूरी है अब मॉडरेट फेस के बारे में हम देखें तो मॉडरेट फेस में क्या होता है वेस्टर्न वेस्टर्न थिंकर्स फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म फ्रीडम इक्वालिटी एंड फर्डनिटी दिस वैल्यूज़ हैड इम्पैक्ट ऑन देम लिबरलिज्म आज़ादी इक्वलिटी मतलब हमें आज़ाद आज़ादी मिलनी चाहिए इस ब्रिटिश रूल्स के स्लेवरी से इक्वलिटी होनी चाहिए चारों तरफ फ्रेटर्निटी होनी चाहिए चारों तरफ भाईचारा होना चाहिए और ये ब्रिटिश होने नहीं दे रही थी In this session of Indian National Congress, difficult, different resolutions were put forward by them such as to get represent representation in provisional legislature, job for educated Indians, cutting down increasing expense, expenses on military, legislature and judiciary should be separated for safeguarding the legal rights to Indian people. सब एक सिस्टम बनाया जा रहा था कि जो मिलिट्री है वो अलग होनी चाहिए लेजिस्लेचर है वो अलग होनी चाहिए जुडिशरी एक्टिविटी है वो अलग होनी चाहिए ताकि लोगों के जो लीगल राइट्स है वो वायलेट ना हो मतलब इनमें क्या होगा अगर ये सब एक साथ रहेंगे तो इनमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है और लोगों के राइट्स वायलेट होने के चांसेस है तो ये सब नहीं होना चाहिए था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पुट किए बहुत सारे एक रेजोल्यूशन था जो इस तरीके की बात रखनी थी उन्होंने रखी इस तरीके से और ये बहुत ज़रूरी था सेपरेट कर दिया और जो अगर मॉडरेस्ट पीपल का मानना ये भी था कि एक जो मॉड मॉडरेट फेस के लीडर थे उनका ऐसा मानना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वे के तरह से चलना चाहिए हमें लीगल वे से चलना चाहिए और अगर हम लीगल वे से चलेंगे तो ब्रिटिश विल गिव जस्टिस टू आवर डिमांड मतलब जो ब्रिटिश थे वो हमें जस्टिस देगी हमारी डिमांड के लिए तो गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज शाह मेहता सुरेंद्र बैनर्जी ऑल वेयर द मॉडरेट लीडर्स मतलब जो ये सब जो मैंने नाम लिए हैं वो एक मॉडरेट लीडर्स थे उनका ऐसा मानना था कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे के थ्रू चलेंगे तो हमें अपनी राइट्स मिल जाएगी तो फिर क्या हुआ था कि जो फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो अब चाहते थे कि जो ये नेशनल movement हो रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि ये इतना इंटेंस नहीं होगा पर अब इस मूवमेंट को दस साल हो गए थे और ये कुछ ज़्यादा इंटेंस होने लगा और इसमें लोगों का बहुत सारा बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने लगे बहुत सारे लोग को ऐसा लगा कि ये एक सही काम किया है एक बहुत अवेयर एक सही तरीके से चल रही ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चलती रही तो हमें अपने राइट्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस है तो इसमें इसको देखते हुए ब्रिटिशर ने सोचा कि यह नेशनल मूवमेंट को हमें ब्रेक करना पड़ेगा अगर ये ब्रे, मूवमेंट ब्रेक हो गया पहले जो स्ट्रगल थी उसमें देखोगे तो एक साथ रिफॉर्म हो रहे थे हर जगह से लोग थे वो अवेयर होने लग गए और उन्होंने अगेंस्ट करना स्टार्ट कर दिया इसको तो उसमें क्या हो गया था कि और जो इंटेंस नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो अलग अलग जगह से हो रहा था अब एक कॉमन लीडरशिप के अंदर हर एक कॉमन रूट के थ्रू एक कॉमन पाथ के थ्रू और इंटेंस इंटेंस तरीके से इस पर हमला हो रहा था तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये ब्रिटिशर्स ना होने दें क्योंकि अगर ये हुआ तो ब्रिटिशर्स के बहुत चांसेस कम है इंडिया में और लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव होना तो ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी की स्टार्ट की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की एक फेवरेट पॉलिसी है जिसकी मदद से ब्रिटिशर्स ने पहले भी बहुत सारे काम किए और बहुत सारे तरीके से इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश की आगे हम देखें तो एक्सट्रीमिस्ट फेज अब एक्सट्रीमिस्ट फेज़ में क्या होता है नाइनटीन नॉट फाइव से 1920 ट्वेंटी तक एक्सट्रीमिस्ट फेज चलता है इनका कुछ अलग तरीके का मानना था देर वेर द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस फ्राम दिस डिफरेंसेज टू मैन पोलिटिकल ग्रुप्स वे आर फॉर्म्ड मतलब जो इनमें जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है सोचने का तरीका है वो बहुत अलग था इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपने लोग हर तरीके हर तरीके के लोग आए उन्होंने अपने जो कास्ट के डिफरेंसेस थे वो अलग रख के और एक एक कॉमन मोटिव के लिए काम किया एक कॉमन पर्पस के लिए काम किया पर उनके जो थॉट प्रोसेस था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उनके अंदर कुछ का मानना था कि जो मॉडरेट वे है वो बहुत सही वे है कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर के थ्रू चले तो हमें राइट्स मिल जाएगी और एक्सट्रीमिस्ट वे थे उनका मानना था कि नहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें एक हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा ऐसे इस तरीके से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तो इस तरीके से उनके अंदर डिफरेंसेस थे और ये बहुत ही डिफरेंसेस बहुत ही आगे जाके बढ़ जाते हैं डिफरेंसेस जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर की मैं बात करूं तो उनके नाम है लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वेयर द बिलीव टू तो बी एक्सट्रीमिस्ट इनका ये ये जो भी लीडर्स थे इनका मानना था कि हमें स्ट्रगल ही एक वे है जो हमें अपनी राइट्स प्रोवाइड करेगी तो फिर इसमें क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर नेशनल फेस्टिवल्स एंड नेशनल एजुकेशन केसरी एंड मराठा वेयर न्यूज़पेपर थ्रू विच लोकमान्य तिलक मेड सेवन सेवर क्रिटिसिज्म ऑन सप्रेसिवली ऑफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश मतलब जो लोकमान्य तिलक थे इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू केसरी और जो मराठा है इनके थ्रू जो बहुत सारे तरीके से ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया जो वो पॉलिसी रख रहे थे वो बहुत गलत तरीके की पॉलिसी थी और उस टाइम पे क्या हो रहा था कि और गंगाधर मतलब लोकमान्य तिलक है इन्होंने जो फेस्टिवल्स भी स्टार्ट किए दो फेस्टिवल स्टार्ट किए इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग शिव जयंती स्टार्ट किया उन्होंने और गणेश उत्सव स्टार्ट किया ताकि लोग जो है वो अलग अलग रीजन से एक साथ आ पाए और इन फेस्टिवल के बहाने इन फेस्टिवल के चलते वो अपनी जो पॉलिटिकल क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था जो पॉलिटिकल तरीके से अगर कोई मिलता था उस टाइम पे और ग्रुप बना के कोई डिस्कशन लेता था या डिसीजन लेता था वो बैन किया जाता था और उनको जो जो भी करते थे उसे प्रिज़म में डाल दिया जाता था तो उन्होंने पर अगर रिलीजियस तरीके से वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो और रिलीजियस तरीके से लोग आ रहे हैं और एक साथ कोई चीज़ के लिए रिलीजियस चीज़ के लिए अगर एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो उस टाइम पे अलाउडेड था उन्हें बैन नहीं किया जाता था तो ये जो थे उन्होंने एक मोमेंट लिया और इसका फ़ायदा उठा के शिव जयंती और गणेश उत्सव का लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की इन इन 1897 इन पुणे द एपिडेमिक ऑफ प्लेग हैड स्प्रेड ऑन लार्ज स्केल मतलब एक प्लेग हो गया था एपिडेमिक हो गया था डिजीज़ एपिडेमिक मतलब डिजीज़ जो एक लार्ज स्केल पे फैल गया था उस टाइम पे और इस जो हंड्रेड ऑफ पीपल डाई ड्यू टू इट मतलब इस प्लेग के अंदर हंड्रेड ऑफ पीपल की मौत हो गई और ये बहुत ही उस टाइम पे गलत हुआ फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर अपॉइंट हुए उस टाइम पे और इन सब जो डेथ थी ऑफिसर नेम्ड रैंड वाज अपॉइंटेड प्लेग पेशेंट वेयर सर्च आउट एंड मेजर्स मेजर अडॉप्टेड हैज रिवेंट द चापेकर ब्रदर एसासीनेटेड रैंड तो ये सब प्लेग होने के बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपॉइंट किया जिनका नाम रैंट था और उन्हें जो चापिकस ब्रदर थे उन्हें ना असेसिनेट किया तो उन्हें मार दिया गया और ये असेसिनेशन का जो चापिकस ब्रदर्स को भड़काने का काम था ऐसा माना जाता था कि ये लोकमान्य तिलक ने किया है तो सीक्रेटली बोल के और ये बहुत ही गलत था पर ब्रिटिश ने फाइंड ट्राई ट्राइड किया कि जो कनेक्शन है हम कैसे वैसे करके अगर लोकमान्य तिलक जी है उनके बारे में अगर उनसे कनेक्ट कर सकेंगे तो हमें इम्प्रेजनमेंट में डाल देंगे उन्हें और रिवेंज लेंगे पर ऐसा नहीं हो पाया उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और ये उन्हें उन्हें ब्रिटिशर्स को छोड़ना पड़ा फिर जब लोकमान्य तिलक जी हैं इन्होंने बहुत सारे लोगों को अवेयर करने के लिए गीता रहस्य लिखा एक बुक लिख एक, एक कुछ रिटर्न में कुछ लिखा इट्स कोर वॉज फिलोसॉफी ऑफ कर्म योग उन्होंने ज़ोर दिया कि हमें एक्शन में रहना चाहिए हरदम उन्होंने ज़ोर दिया कि हमें ब्रिटिश के अगर अगर लड़ना है तो हमें एक्शन फ़ेज़ में ही लड़ना पड़ेगा वो इस तरीके से हमें छोड़ के हमारी इंडिया को नहीं छोड़ेंगे इतनी जल्दी अगर हम मॉड कुछ ईजी वे से अगर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे तरीके से एडिटोरियल्स हो गए न्यूज़पेपर हो गए हर बुक्स के थ्रू हर हर जगह अपने अपने आइडियाज़ के थ्रू हर जगह पर जा जाके ओरल वे से रिटर्न वे से कॉन्ट्रीब्यूट किया फिर आगे जाके एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है होता नहीं है बेसिकली क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या होता है द ब्रिटिश डिसाइडेड टू यूज़ पॉलिसी ऑफ़ डिवाइड एंड रूल अब ब्रिटिश जो नेशनलिज्म है उसे ब्रेक करने के ट्राई करती है कि अगर ये मूवमेंट एक साथ हो गया तो ब्रिटिश पे बहुत गहरा इंपैक्ट हो सकता है और ब्रिटिश को इंडिया में सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है टू क्रिएट ए रिफ्ट मतलब डिफ्रेंसेस क्रिएट करने के लिए हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देन द दिसरी लॉर्ड क्रूर जोन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट बंगाल वॉज लार्ज प्रोविंस मतलब बंगाल जो एरिया था वो बहुत ही लार्ज प्रोविंस था टू कैरी आउट द वर्क ऑफ प्रोविंस वॉज डिफिकल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बाई पुटिंग अप दिस रीजन मतलब जो इतना बड़ा प्रोविजन है इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ये करना बहुत मुश्किल है तो ब्रिटिश ने ऐसा बोल के डिवाइड किया इन नाइनटीन नॉट फाइव ही डिक्लेयर द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोविंस विद दिस पार्टीशन अरेंजमेंट वॉज मेड सच दैट मेजोरिटी मुस्लिम्स वेयर रिमेन इन ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल फॉर द मेजोरिटी फॉर इस तरीके जो क्योंकि उन्होंने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो काम का करने करना मुश्किल हो रहा है इतना बड़ा प्रोविंस है इसलिए हम क्या करेंगे कि जो ब्रिटिश है जो मुस्लिम है उनको हम आ, अलग ईस्ट बंगाल दे देंगे और जो वेस्ट बंगाल है वो हिंदू के लिए रहेगा ऐसा डिवाइड कर दिया उन्हें द हिडन स्ट्रेटजी ऑफ ब्रिटिश वॉज इफ हिंदू मुस्लिम वेयर डिवाइडेड टू टू पार्टीशन दैन द फ्रीडम मूवमेंट वेयर वी ब्रिटिश का सा... ब्रिटिश की ये चाल दी कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर देंगे तो हम जो उनकी फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट है उसे हम वीक कर देंगे ऐसा उनका मानना था पर पर जो लीडर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और दूसरा मोमेंट जो लॉन्च हुआ दूसरा मूवमेंट जो हुआ दो एंटी पार्टीशन मूवमेंट लॉन्च हुआ एंटी पार्टीशन मूवमेंट में क्या होता है देयर वाज ए पब्लिक अवेकिंग उस टाइम पे लोगों के अंदर जागरूकता इतनी आ चुकी थी कि वो समझ गए थे कि जो पार्टीशन है वो बहुत ही गलत चीज़ है पार्टीशन नहीं होना चाहिए बंगाल सिक्सटीन अक्टूबर द डे ऑफ पार्टीशन वाज ऑब्जर्व है नेशनल मॉर्निंग डे ऑल ओवर इंडिया देर वॉज प्रोटेस्ट मीटिंग टू कंडेम द ब्रिटिश डिसीजन मतलब जो ब्रिटिश के डिसीजन है कंडेम करने के लिए उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए उसके कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए उनको गवर्नमेंट को और वंदे मातरम केम टू संग एवरीवेयर वंदे मातरम जो गाना है आप सुनते हो जो सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग है हमारा जो वंदे मातरम वो संग वो गाया गया उस टाइम पर एज अटी एज यूनिटी सिंबल ऑफ यूनिटी रक्षाबंधन प्रोग्राम वेयर हेल्ड स्टूडेंट इन लार्ज नंबर बॉयकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस एंड पार्टिसिपेट इन मूवमेंट मतलब जो स्टूडेंट थे लार्ज नंबर में बह उन्होंने पार्टिसिपेट किया मोमेंट में लीडरशिप ऑफ दिस मोवमेंट वॉज इन द हैंड ऑफ जो इस मूवमेंट को लेड रहे थे उनके जो लीडर्स थे उनके नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आनंद मोहन बोस रविंद्रनाथ टैगोर एंड अदर सच लीडर तो ये सब मॉडरेट लीडर हैं इन्होंने ये मोमेंट्स को लॉन्च किया इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया इन्होंने जो इंडियन हैं उनको सपोर्ट किया इस टाइम पे और ये मोमेंट्स को नहीं होने दिया इस तरह के मूवमेंट को एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहा गया इसको होने से रोकने की कोशिश की फिर आगे हम देखें तो फोर पॉइंट प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि ये सब हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है हमें कुछ करना चाहिए तो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ नाइनटीन नॉट फाइव ही सपोर्टेड द एंटी पार्टीशन मूवमेंट मतलब ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है उसे सपोर्ट किया कि ये जो मूवमेंट है वो सही है और ही सपोर्टेड द एंटी और फिर जो दादा भाई नवरोजी है वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ नाइन्टीन सिक्स सेशन और उन्होंने एक सेशन है और ही फर्स्ट टाइम जो वर्ड है स्वराज उसको सामने लाया जो वर्ड स्वराज मतलब खुद का देश का गेव द मैसेज दैट दैट रिमेन यूनाइटेड ट्राई सिंसियरली एंड फुलफिल द एम ऑफ स्वराज सो दैट टुडे विल बी एबल टू सेव लैक्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी हंगर एंड डिजीज इस वर्ड का मतलब था कि हमें यूनाइटेड रहना है सिंसियरली अपने ड्री, जो ड्रीम है हमें इंडिया को आज़ाद करने का उसे फुलफ़िल करना है तो अगर हमने इस ड्रीम को अच्छे तरीके से फॉलो किया स्वराज को अपने देश के ड्रीम को कि हमें देश को अपने इस इस जो ब्रिटिश के रूल से उससे आज़ाद करना है तो हम सुन ही बहुत ही जल्दी ये जो सफरिंग है पॉवर्टी हंगर से और डिजीज से इनसे इनसे निकल पाएंगे और स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ स्वदेशी मूवमेंट का मतलब है जो ब्रिटिश के गुड्स थे फॉरेन गुड्स थे उन्हें बॉयकॉट करो इंडियन गुड्स से उन्हें आगे बढ़ाओ कुछ भी हो जाए इंडियन गुड्स को परचेस करो उन्हें आगे बढ़ाओ उनको एक स्टेज दो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो ऐसा मानना था फिर आगे हम देखें तो बहुत सारे डिफ्रें अब क्या होता है एक अलग फेज में इंडिया जा रही है अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बढ़ जाते हैं उनका और जो स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है अब यह ये बहुत ही बड़ा इवेंट हो जाता है जो एक्सट्रीमिस्ट मैंने कहा था मॉडरेट लोगों का ऐसा मानना था कि जो ये रेजोल्यूशन है जो बॉयकॉट फॉरेन गुड्स और ये ये उन्होंने इतना जोर नहीं दिया और एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि ये जो ये जोर नहीं दे रहे वो गलत हो रहा है इन्हें इस मोमेंट पर ज़ोर देना चाहिए और जो कुछ लोग थे जैसे कि जो मैंने कहा गोपाल कृष्ण गोखले सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और फिरोज शाह में था उन्होंने बोला कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उस पर कैप्चर करना चाहते हैं ये पूरी जो इस पर है इस पर अपना रूल चलाना चाहते हैं तो और इसमें क्या क्या लाला लाजपत राय जो थे ट्राई टू एक्ट एज़ मेडिटर जो लाला लाजपत राय थे वो एक मेडिटर का रोल प्ले किया और ट्राई किया कि कुछ तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्या इस जो ये थॉट प्रोसेस है इसे इनके जो डिफरेंसेस है पर इस तरीके से को कोई भी मदद नहीं मिली और जो टेंशन थी इनके बीच में दोनों लीडर्स के बीच में दोनों इन्होंने क्या किया इन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने के कारण और स्प्लिट हो गए तो इंडियन फाइनली देयर वाज अ स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर क्या आता है सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो एंटी मूवमेंट था एंटी पार्टीशन मूवमेंट था उसने क्या कर दिया था गवर्नमेंट्स को बहुत ही टेंशन में डाल दिया था क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लुएंसियल पीपल मैंने कहा था कि मूवमेंट बहुत ही इंटेंस होते जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसे सपोर्ट किया था उस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को तो अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स को देखते हुए अगर ये मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं इतने इंटेंस वे में तो ब्रिटिश थी वो जो टेंशन में आ गई थी और उन्होंने क्या किया जो बहुत से लोगों की गैदरिंग बंद कर दी स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उन पर मारा पीटी स्टार्ट कर दी और ये देखते हुए जो था ये वो गलत हो रहा था ऐसा लगा तो लोकमान्य तिलक जी ने क्या किया उस टाइम पर अपने न्यूज़पेपर के थ्रू जो केसरी न्यूज़पेपर था उनके थ्रू इन्होंने क्या किया एडवोकेट किया बॉम्ब्स अटैक को और जो एडॉप्टेड द मीन्स ऑफ फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट के वे लिए ताकि हम इसको बंद कर सकें पर जो लाला जो लोकमान्य तिलक है उन्हें चार्ज ऑफ सेडेशन के अंदर जेल में डाल दिया गया इम्प्रेजेंटमेंट कर दिया गया एट म्यांमार फॉर सिक्स ईयर इम्प्रेजेंटमेंट और बिपिन चंद्र पाल वॉज सेंटेंस टू तो जेल एंड लाला लाजपत राय वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम पंजाब मतलब इन सबको जेल में डाल दिया गया जो अधर्स लेटे थे उन्हें जेल में डाल दिया गया फिर आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग अब मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट कैसे होती है अब ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज़ कर लिया था उन उन्होंने एक वे देख लिया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक बहुत ही अच्छी वे है कि अगर हमें डिवाइड करना है इंडियन और जो हिंदू है और मुस्लिम है और जो क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसे जो फॉर्म किया था लोगों ने अपने कास्ट और अपने आपसी मतभेद जो थे उनको दूर रख के फॉर्म किया था और ये एक ब्रिटिश समझ गई थी कि अगर हमें तो ब्रिटिश ने क्या किया जो मुस्लिम है उन्हें कहा कि हम आपके इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं मुस्लिम उन आप उन, उनकी उन, मदद करना चाहते हैं मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश करने में और इस तरीके से जो मुस्लिम लीग है वो इस्टेब्लिश होती है फिर जो मिंटो एक्ट है मिंटो एक्ट में क्या होता है कि एक मिंटो एक्ट पास होता है नाइनटीन नाट नाइन में उसमें क्या होता है कि जो इंडिया के जो हर तरीके जो थे जो लेजिस्टिव असेंबली थी उसमें इंडिया के जो पीपल्स हैं उनको राइट्स मिलने स्टार्ट कर दिए उनका नंबर इंक्रीज़ करने स्टार्ट कर दिया था और ये क्यों हो रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन वो जो थी इंडिया के जो रीज़न थे पॉवर्टी और इकोनॉमिक का इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स की थी वो इंडियन पीपल्स को लगती थी कि ये बहुत गलत है और ये सब जो भी इंडिया में हो रहा है वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से हो रहा है और ये बहुत ही त, ऐसा माना गया तो फिर और बल्कि था भी ऐसा ही कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है उनकी वजह से इफेक्ट हो रहा है तो ये बहुत ही गलत हो रहा है तो इसे सॉल्व करने के लिए ये करना पड़ा ब्रिटिशर्स को कि जो लेजिस्टिव असेंबली है उसमें इंडियन पीपल्स को राइट दिया गया और मान मोड जो मॉरली मिंटो एक्ट है उसके हिसाब से जो ब्रिटिशर्स जो इंडियन है उनको धीरे धीरे राइट्स मिलेगी और इसी ने क्या किया जो मुस्लिम थे उनके लिए अलग सीट्स बना दी इस मूवमेंट्स के अंदर उन्होंने ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने ही ट्राई किया कि अगर ये हम इनको अलग देंगे और इनको अलग देंगे तो इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मेंटेन रहेगी और इसी क्या उन्होंने एक साथ नहीं किया उन्हें और इन्हें डिवाइड करने की कोशिश हर तरीके से की है और इसी में उनको सीड्स दी और इस तरीके से डिवीज़न का जो सीड है वो सोन हुआ उस टाइम उस पर डिवीज़न का सीड्स है वो कर दिया गया था और ये बहुत ही एक लख, लखनऊ पैक्ट आया लखनऊ पैक्ट मीन्स ट्रीटी ट्रीटी होती है और ट्रीटी के चलते क्या हो गया ट्रिटी लाई गई लोकमान्य तिलक अटैम्प्ट मेड अटैम्प्ट किया उन्होंने कि रिजोल्व करें हम डिस्प्यूट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन द सेम ईयर देर वॉज एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग नोन हैज़ लखनऊ पैक्ट मतलब उसी साल में एक लखनऊ पैक्ट पैक्ट लाया ट्रीटी लाई कि हम ट्राई करते हैं इनके बीच में जो डिफ्रेंसेस हैं उनको सॉल्व करने की पर क्या हो गया उन्होंने लास्ट में उस पैक्ट के किस तरीके जो नतीजे थे वो सेपरेट ही निकले और जो मुस्लिम्स को इलेक्ट्रोड्स देना पड़ा और उनकी सीट्स देनी पड़ी और उन्होंने मुस्लिम्स को ऐसा बोला कि आप हम हम आपको इलेक्ट्रोड्स देंगे मतलब अलग सीट्स देंगे अलग वार्ड देंगे और आप क्या करो एज ए माइनॉरिटी उनको देंगे और आप क्या करो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करो इवेंट में तो ये उन्होंने एग्री हो गए और दे एग्रीड ऑन दिस एंड इस तरीके की जो थी जो मतभेद चल रही थी उन्हें रिजॉल्व किया गया फिर होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया अब होम रूल मूवमेंट्स में क्या होता है और आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ लोकमान्य तिलक फ्रॉम जेल जब लोकमान्य तिलक जेल से बाहर आ गए तो उन्होंने uh, देखा कि जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है और इसके जो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो इंडिया को भी झेलने पड़ रहे हैं और जो लोकमान्य तिलक है उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को जाके आए थे और उन्होंने देखा कि सब जगह जो सेल्फ गवर्नमेंट का नारा है वो चल रहा है तो हमें भी हमारी कंट्री में सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें भी स्वराज्य चाहिए हमारा राज्य चाहिए इस कंट्री में खुद का राज्य चाहिए तो होम रूल मोमेंट स्टार्ट हुआ होम रूल मोमेंट का मतलब है सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट हमारी ख़ुद की गवर्नमेंट चाहिए और डॉक्टर एनी बेसेंट जो पर्सनैलिटी है इनके मदद से होम रूल मोमेंट स्टार्ट हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया के अंदर क्या हुआ था इन 1917 सेवनटीन मॉन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट स्टेप बाय स्टेप इंडिया विल बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिस्पांसिबल पॉलिटिकल सिस्टम अब तिलक जो लोकमान्य तिलक है उनके बोलने के कारण स्वराज स्वराज जो मूवमेंट है वो एक बहुत ही इंटेंस तरीके से फ्लरिश हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से वो स्टैब्लिश हुआ और लोगों ने इसे अपनाया और ये जो बहुत ही इंटेंस होने के कारण जो ब्रिटिशर हैं उन्हें लग लगा कि हम आपको राइट्स देंगे और पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से देंगे तो मॉन्टेगू फिर क्लेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट में क्या हुआ जो मॉन्टेगो क्लेम्स फोर्ड एक्ट रिफॉर्म्स में क्या किया जो अब राइट्स देने की बात आ गई थी पर जो राइट्स थे जो इंडिया को मिल रहे थे वो इस तरीके से मिल रहे थे कि जो अनइम्पॉर्टेंट जो राइट्स थे वो दिए जा रहे थे तो लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिए इंडियन मिनिस्ट्री में और जो कि जो मेन मेन इंडियन मिनिस्ट्री है जैसे कि फाइनेंस हो गए होम अफेयर्स हो गए रेवेन्यू हो गए जब पैसे के लेन देन वाले जो को और जो कंट्रोल हो गया वो इंडिया को नहीं दिया गया था आधा इंडिया को राइट्स दिए थे और आधे राइट्स नहीं दिए और ये जो लोकमान्य तिलक को जी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इसको भी और उन्होंने बोला दिस इज़ नाइदर स्वराज नॉर इट्स फाउंडेशन और उन्होंने ऐसा लगा कि हमें अलग तरीके से ढूंढना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को सबड्यू करने के लिए सप्रेस करने के लिए उनको नीचे लाने के लिए तो उन्होंने देखा कि हमें अपने जो एफर्ट्स है उसे मो हमारा जो स्ट्रगल है उसे बहुत ही इंटेंस करनी पड़ेगी और ही और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें अगर हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी चाहिए तो दिस मोमेंट लॉन्च द इंडियन गॉड प्रिपेयर फॉर न्यू मोमेंट मतलब एक नए मूमेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया इंडिया को इस मोमेंट ने और इस तरीके से हम 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 एक न्यू मोमेंट की तरफ़ बढ़ते गए इसी के तरह आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स इस डाउट कोई भी आपके डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं ट्राई करूँगा उसे आंसर करने की और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच